एक सवाल सारे जानना चाहते हैं, मेरी शादी तो भूल गए ना, कह रहे उम्र की शादी कदों होनी है। सारे अपनी उम्र का मुंह देखा कितना बुरा है। अफ्तारी टाइम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अली बर्ड ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कर दो, नहीं तो उन्हें मौत पैंदी। भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है। तो गाइस आज आपको आज घर की अफ्तारी सीन दिखाता हूँ, ठीक है। और मतलब आज बड़े दिनों बाद मामा भी कह रही थी व्लॉग नहीं बना रहा था आजकल, मैं कहा चलो बनाता हूँ। सबसे पहले गाइस ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है 1xBet की तरफ से। जी हाँ, अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए है 1xBet। ये तभी मुमकिन है अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं 1xBet को। जी अगर आपने बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं साथ साथ आपने एंजॉय भी करना है। ये अपनी इंडस्ट्री के अंदर 10 साल से वर्ल्ड लीडर है। हाँ जी 10 साल से इसमें सबसे ज्यादा कैसीनो एंड स्लॉट्स अवेलेबल हैं, साथ ही अंडर एंड अवर 7 बोंगो और बहुत सारी गेम्स एंड स्लॉट्स, 500 से ज्यादा बेटिंग गेम्स एंड ऑड डिटर्स। और सबसे इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, इनका बहुत इजी सिस्टम है विदड्रॉ का। मतलब आप पैसे जितने मर्जी कमा सकते हैं और जितने मर्जी जिस टाइम मर्जी इजी कैश जैस कैश इजी पैसा और निकलवा भी सकते हैं। और इनकी एक और मर्जी की बात, इनका जो वेलकम बोनस है, मतलब देखें अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जाकर रजिस्टर्ड होते हैं तो ये आपको वेलकम बोनस देते हैं ताकि आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएं और आप यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय भी करें। साथ अपने कमेंट सेक्शन के ऊपर जो पहला कमेंट है उनके ऊपर इनका लिंक जो है पिन किया हुआ है, जिसके ऊपर मेरा प्रोमो कोड है वो डालना मत भूलना। वो क्यों ना डालना बोला Ali B23, वो इसलिए डालना मत भूलना क्योंकि आपको उसके साथ मिलेगा 390 €। जी हाँ 390 € बिल्कुल फ्री और साथ साथ 30 spins मिलेंगी। बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं आप इसी चीजों के अंदर, ठीक है। तो जाएं भेड़ किस चीज का, जाएं और जाकर रजिस्टर्ड हो। उसके बाद आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक बेड है हमारे पास, ठीक है। जब हम छोटे होते थे, बेड की हालत तो बहुत बुरी है, मैं थोड़ा सेट करा देता हूँ, ठीक है। चल रहे होते तो ये चल रहे तो अच्छा, जो छोटे होते का मतलब बेड है ये वाला, ये एक ऊपर कमरे में हमने महफूज किया हुआ है। जब हम छोटे होते थे हम इस बेड के ऊपर छलांगे मारता ऊपर चढ़ते चढ़ते, मैं और उमर खास तौर पे, यूसुफ थोड़ा शरीफ था, वैसे शरीफ तो हम लोग भी थे लेकिन थोड़ा ज़्यादा शरीफ यूसुफ था, तो बड़ा मज़ा आता था यहाँ पर। इस वजह से ये बेड हम लोगों ने अभी तक दिया नहीं है ताकि हमारे शादी होगी तो बच्चे होंगे। खैर व्हाटएवर, आगे दिखाता हूँ आपको। गाइस हमारे पास एक और बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, उसके साथ तो हमने आपका तारुफ करवाना भूल ही गए थे, वो अब मैं आपको दिखाने लगूँ। माशाल्लाह चलने लग गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा थोड़ा फ्रेश हो, इतने दिनों बाद आपने कहा था व्लॉग कर ले, तो व्लॉग क्यों नहीं कर रहा आजकल? मम्मा एक सवाल सारे जानना चाहते हैं, मेरी शादी तो भूल गए ना, कह रहे हैं उम्र की शादी कदों होनी है। ये तो अल्लाह का हुक्म है। हाय 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 हाय, ये बात मम्मा आपने बहुत अच्छी की है, ये बात हमें नहीं थी पता। ये आपने बात कहाँ से निकाल के मम्मा की, हमें तो पता नहीं था अल्लाह का हुक्म हो तो शादी होती, उसके अलावा होती नहीं है। मिर्जा इंजीनियर अली नहीं पूछ लो। आज हमने सादा कीमा भुना है और मेरे बच्चे जो है ना वो बाहर जा रहे हैं। मुझे याद आया, मुझे आप याद आया, हम लोग तो बाहर जा रहे हैं, हमारी तो इफ्तारी बाहर है। या आपने मुझे याद करवाया और मैं तो नहाने सिर्फ अपने लिए की, मैं तो नहाया भी नहीं हुआ। कैब भी आपको पता है, मैं चाहती हूँ ले गया, मैंने कहा मैंने व्लॉग बनाया, मुझे कैब देना। उन्होंने कैब दिया तब मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया, ऑयल लगा हुआ था बालों पर। जी शुक्र है मम्मा ने याद करवाया बाहर, मैं जल्दी से तैयार होता हूँ, बाद में बनाता हूँ आगे व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। गाइस कैसा लग रहा, पहले से तो अहमद खेड़ है मेरे पास, अहमडू खेड़ा, तो मैंने नहा लिया फाइनली, मुझे पता नहीं था। और उम्र में भूल गया था आज हमारी इफ्तारी बाहर। ये देखो जी, चेक करो मेरे पास आता है अमन, आ जा अमन, नहीं जाना। आजा 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 रशे दादा, ये अमन का पार है मेरे शेर। अमन दो नंबर आदमी, अमन नीचे जाएगा, जाना नीचे आजा। इसके पास नहीं अहमद जाता, सिर्फ सबके पास चला जाता है ना। उमर मम्मा ने एक बात की है, इधर आ। मम्मा ने कहा तेरी शादी डिसाइड कर दी है व्लॉग के अंदर। व्लॉग के अंदर हाँ, मतलब मम्मा ने क्या कहा?
तेरे चाची कब बोलेंगे जब अल्लाह की मर्जी। रिमशा वो इस दफा ना मैंने तेरे मुंह पे इमोजी नहीं डाले, जो मुंह पे दाने और ये लगे हुए हैं ये आने हैं सामने। दो दाने उमर के पता चल रहा है, सच्ची बताई नीचे इतनी क्रीम लगाई है पता तो लग नहीं रहा है। इसे बैठना भाई, इधर आओ ना कमीने, आ कमीने चकलिया। ये हम लोगों ने वो नहीं लगाना, ये याद रखी। क्यों नहीं लगाना? मैंने तुम लोगों को ना वो रिपोर्ट माथे पे नहीं लगाना, माथे पे नहीं लगाना, सिर्फ माथे को। कोई बात नहीं, मडू क्या है पूरी, पता नहीं कि सारे अपने उमर का मुंह देखा कितना बुरा है, अपना मुंह देखा कितना बुरा है। ओ बस ओ बस किया है तेरा, हमारे मुंह पे इमोजी लाने की जरूरत नहीं पड़ती, तेरे भी इस वजह से लगाते हैं, बुरा ही बहुत है। हम लोग जा रहे हैं अफतारी के ऊपर, हमने एक दोस्तों की अफतारी की थी, पता जिम फेलोस की। तू बोल रहा है, मैं चुप हो जाना, तू बोल रहा है और क्या कहना चाहेगा तू? रोजा लग रहा है यार, बस तू आज जल्दी उठ गया था, आज आज माशाल्लाह उमर देखो 3:30 बजे ओए 12:30 बजे उठा हुआ था। मैं थोड़ी शर्म नहीं करता? अल्लाह की कसम यार अली, तेरा तेरा तो अपने घड़ी का टाइम ठीक करा ले, मैं थोड़ी शर्म दोबारा ही कर दे यार। रुक यार, एक तो क्या ड्रामा है कि किसी ने मैसेज किया था कि वो खाना है तो डिलीवर अफतारी टाइम। गाइस हमें चाय खाना ने 25% ऑफ दिया है, इसकी शक्ल पे, इसकी नहीं सॉरी इसकी शक्ल पे, पर फुल एटीट्यूड दिखा तुझे ऑफ मिला, फेमस है तू, एटीट्यूड दिखा, मंगा ना लाना बंद, एटीट्यूड दिखा रहा है अपनी तरफ से, तू एटीट्यूड दिखा रहा है रहन दे, इन्हें भी एटीट्यूड है ही नहीं, शरीफ लोग ने ना मेरे तल्ला का लेना। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे स्पेशल उन्होंने 25% डिस्काउंट नहीं दिया, इन्होंने कहा कि मैं आपके ब्लॉग में भी, मैंने कहा मेरी अपनी जुबान फंस गई है, मैंने कहा कि मैं ब्लॉग में भी डालो, मुझे कितना डिस्काउंट दिया आपने? सर हमने आपको 35% डिस्काउंट दिया। 35% इन्होंने डिस्काउंट दिया, बेटा देखा फायदा कितना है ब्लॉगर होने का और फेमस होने का। लेकिन खैर ये सरगोधा का चाय खाना है यहाँ पे बना है और बहुत मजे का खाना था इनका, मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा, फ्री का शॉर्ट है, लाजमी एक दफा आके देखिएगा जरूर सरगोधा वालों। गाइस अभी हम लोग आ रहे हैं बैडमिंटन खेल के, हमारी हालतें आप देख रहे होंगे, ठीक है मैं भूल गया था आज मैंने उमर को रही है 3 गेमें, ठीक है ये कब हुआ? उमर ना एक्टिंग है ना, कल ओवर एक्टिंग कब हुआ? कसम उठा कौन सी 3 गेम है अल्लाह की कसम, कौन सी 3 गेम है यार, इसके मुंह से ही झूठ टपक रहा है। हां जी मैंने रही है ना इसे, अली भाई को रही है, बस अली भाई कौन है मतलब के मैं अली भाई ने रही है, हां मुंह से इशारे कर हैं वो, लेकिन दूसरे अली भाई को हराई है ना, बड़ा चबल है तू यार, हां वो सच बोल रहा है, मर्जी है तेरी। सीन ये है कि उस दिन आ रहा है हमसे, किस दिन? वही जब ऐसा के साथ था, यकीन मान कोई मजा नहीं आया, बड़ी मुश्किल जीते हैं वो, हां मजा नहीं आया गेम खेल के। शेर साहब ईमानी कुरानी बताइए, तू सामने था मैं गेम खेल रहा था, वो तो खेल नहीं रहे थे तो और क्या कर, आप कहते मैं थका हुआ हूं, और ये असल में टॉम क्रूज है, ये शटल मारता गायब हो जाती है शटल और नीचे आके गिरती है, तू कब आएगा ना तेरा सिग्नल लगा उमर, बस कर दे और मैं तुझे गारंटी दे रहा हूं बाजी, अब बस कर दे अल्लाह की शर्त। हम लोग व्लॉग बनाने ही भूल गए थे माशाल्लाह, हम लोगों ने इफ्तारी की उसके बाद हमें याद नहीं था कि व्लॉग भी बनाना है, लेकिन खैर अब हम एक व्लॉग कंप्लीट कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं अपना व्लॉग यहां पर ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।